हेलो गाइस, मेरा नाम अमर है और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो है वो हिटमैन के वॉक थ्रू पार्ट टू के बारे में। इस कॉन्ट्रैक्ट में हमको जो सैंग्विन फैशन शो है उसका ओनर विक्टर नोवेकॉफ उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और उसकी गर्लफ्रेंड जो कि उसकी पार्टनर भी है डालिया मॉर्गोलिस जो कि पहले सुपर मॉडल थी। एंड बोथ ऑफ देम आर द मोस्ट डेंजरस पीपल इन द वर्ल्ड। दोनों मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका नाम है इयागो। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन को लीक करना, तो जिसकी वजह से बहुत सारे डिजास्टर होते आ रहे हैं पास्ट में, तो इन दोनों के लीक की वजह से। When the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Now Novikov and Morgolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they. तो यहाँ पे जो सैंग्विन फैशन शो है, यहाँ पे एक प्राइवेट रूम में जो IAGO द्वारा सीक्रेट है उसको उसकी बिडिंग हो रही है। तो ये बात MI6 को पता चल जाती है, तो MI6 मदद लेता है ICA की इस चीज को स्टॉप करने में। But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dalia Margolis, beautiful and brilliant. She is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance, an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. I will leave you to prepare. तो हिटमैन यहाँ पे पेरिस फैशन शो में पहुँच चुका है, और हिटमैन की हैंडलर उसको बता रही होती है जो विक्टर नोवेकॉफ है वो पार्टी को होस्ट कर रहा है और ये सैंग्विन फैशन शो का ओनर भी है, तो जिसकी वजह से वो इस पूरे शो को ऑर्गेनाइज करने में बिजी है, जो कि अभी फर्स्ट फ्लोर पे ही है। और जो डालिया मॉर्गोलिस है वो सेकेंड फ्लोर पे है, वो सीक्रेट की बिडिंग में इन्वॉल्व है, तो वो तुमको वहाँ मिल जाएगी। Welcome, sir. Enjoy the show. That is Viktor Novikov. तो ये रहा हमारा प्राइम टारगेट विक्टर नोवेकॉफ जो कि इस पार्टी को होस्ट कर रहा है। कुछ भी कहो भाई, बंदे का भौकाल एकदम टाइट है, लोग इसको प्रेस कर रहे हैं, बट हम लोग इससे बाद में निपटेंगे। पहले हम लोग निपटेंगे डालिया मॉर्गोलिस से, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें यहाँ पता चलता है कि जो इस फैशन शो का टॉप मॉडल है हेलमेट कूगर, वो डालिया मॉर्गोलिस का फ्रेंड है, जो कि उसकी कुछ कामों में हेल्प करता रखता है अक्सर। तो अगर हम किसी भी तरह ये हेलमेट कूकर तक पहुंच जाते हैं और उसका वेश बदल लेते हैं, तो हम लोग डालिया मॉर्गोलिस तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कोई तरीका है, जैसे क्या मॉडल है वो, तो अगर हम फैशन आर्टिस्ट का ड्रेस ले लें तो हम उस तक आराम से पहुँच सकते हैं। Speaking of, that kind of a
girls look great today. Good job. तो ये सामने जो बंदा आप देख रहे हैं जिसके हेड पे वाइट डॉट आ रहा है, ये हेलमेट कूगर जो कि अभी फ़ोटोशूट में बिजी है। तो अगर ये किसी भी तरह यहाँ पे आ जाता है अकेले एकांत में, तो हम इसको सबड्यू करके, इसका ड्रेस चेंज करके इसका रूप बदल सकते हैं। तो कोशिश तो यही है, अगर इसका ड्रेस मिल जाए और क्या नाम है, इसके वेस में आ जाए हम, तो हम आराम से डालिया मॉल कॉलेज तक पहुँच सकते हैं। Look there, Mr. Stylist. I have. इसको ये नहीं पता है कि इसकी लंका लगने वाली है और इसका बैंड बजने वाला है। यहाँ पे मैं डालिया मॉर्गोलिस को कॉल लगा रहा हूँ जिससे उसे कांटेक्ट कर लूँ, क्योंकि अब तो मैं हेलमेट कूगर हो चुका हूँ। तो आराम से उससे बात करके देखता हूँ कहाँ पे मीटिंग सेट हुई है, वहाँ जाते हैं। फिर वहाँ अगर कुछ तरीका होगा तो फिर डालिया मॉर्गोलिस को निपटाया जाएगा। यहाँ हमारी डालिया मॉर्गोलिस से बात होती है और वो हेलमेट कूगर पूछ रहा होता है कि कहाँ पे मीटिंग रखनी है। और तो डालिया मॉर्गोलिस बता रही होती है कि अभी तुम, मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, यहीं आ जाओ, जो कि ऑक्शन की जस्ट बगल में रूम है वहीं पे। और तो हिटमैन पूछता है फिर, जो कि अभी हेलमेट कूगर है, कि मैं डायरेक्ट अभी आ जाऊँ कि और कुछ करके, मतलब अपना जो मॉडलिंग का काम है वो करके आऊँ। तो डालिया बोलती है कि आराम से तुम अपना रैंप वॉक करके फिर आओ। तो अभी चलते हैं, फिर रैंप वॉक करते हैं, जैसा बोला है वैसा करते हैं। तो गाइस, टाइम आ गया है रैंप वॉक करने का, घर हो जाइए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर, जिसका नाम है डालिया मॉर्गोलिस। तो चलते हैं डालिया मॉर्गोलिस, जो कि अभी सेकंड फ्लोर पे है, वहीं चलते हैं। You look good at just about anything. Intestine straight jackets.
this book about the fashion industry through the ages. There is this वेल तो ये हैं डालिया मॉर्गलिस जो लोगों को टॉप प्राइस पे टॉप सीक्रेट सेल कर रही हैं. वेल इनकी लंका लगने वाली है और इनका टाइम आ गया है. As it happens, I have the perfect assignment for you. Jessica Highmore. Highmore Consulting. The very same. That's why I wanted you in the show, so Jessica would notice you. Now, I want you to go to New York, seek out Jessica, and do what you do best. The girl is bright, young, beautiful, and should be right up your alley. And yet she's not the mark. My, you do catch on fast. No, that would be her father, CEO John Highmore. Jessica is your way in. Befriend him, get his trust. Highmore Consulting is planning a merger. I want to know with whom and at what price. All right. Consider it done. And that's for you. Keep it on you at all times. Last resort. Cyanide. Good choice. We've got trouble. Victor Novikov is next. Well, Dahlia Morgulis का काम तमाम तो हो चुका है. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर, जिसका नाम है विक्टर नोविकॉव, जो कि हमको फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा लोगों से डींगे मारते हुए. तो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढा ही जाए इसको टपकाने का, क्योंकि इसका भी टाइम आ गया है. No further bids? Very well. Hello, Mr. Kruger. Looking awesome, Mr. Kruger. Victor Novikov's favorite drink is a rather obscure cocktail known as a bare-knuckle boxer. The recipe, however, has been misplaced in the basement. Sounds like a chance opportunity to get on Novikov's good side. Eh, well, who cares? Booze is booze, right? Nah, I should really go look for it. Man pays our wages. Deserves a decent drink. Thank you.
those tape? That's right. Move on, waiter. Garcon! Work 47. Time to mix up a storm. जिनको नहीं पता है कि इनका टाइम आ गया है एक ड्रिंक के साथ। मैंने ड्रिंक में पहले से ही जहर मिला दिया है जो कि विक्टर को अभी नहीं पता है, होप सो पता भी ना हो। तो देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ पे विक्टर का काम तमाम हो चुका है। इनकी बॉडी को छुपा दिया जाए जिसे किसी को पता ना चले, और जल्दी से जल्दी इस जगह से निकला जाए जिससे पहले कि किसी को पता चले, और अपना काम तो हो गया है। अगर गेम का वॉक थ्रू आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई होगी गेम में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ऐसे ही गेम को अगर आप देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।
How was Moscow? Kamarov is gone. I set him up as a Langley spy. It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated. Your turn. Very well. The secrets of the global elite. 5 years of work. Everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor. Good luck with the show. I have a feeling it's going to be the one you'll be remembered for.